छूट देते हुए शहर में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले करीब 2 साल से नागपुर के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं। इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्षेत्र को 40% का नुकसान हुआ है। इसको लेकर एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रशासन से कोचिंग क्लासेस शुरू करने की गुहार लगाई है। इसको लेकर सरकार को स्पष्ट रुख अपनाने की बात एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्र परिषद में की। 8 अगस्त 2021 को पालक मंत्री नितिन राउत के सहयोग से 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग शुरू करने की अनुमति दी गई, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर से बंद कर दिया गया। अब 8वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू हो गए हैं। कोचिंग में भी 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाता है। इन विद्यार्थियों को जेई, नीट, लॉ, सीए और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रजनीकांत बुंद्रे ने बताया कि महाराष्ट्र को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में कोचिंग हब कोटा में भी कोचिंग शुरू करने की अनुमति मिल गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी अनुमति मिली है। पिछले 18 महीने से कोचिंग क्लासेस टोटली बंद है। बीच बीच में कुछ 8-10-15 दिनों के लिए शुरू हो जाते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हम लोगों को कभी हुआ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑफलाइन में जाने में बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है। अभी परीक्षाएँ एकदम सामने हैं। JEE की एग्ज़ाम जनवरी में ही है। CBSE की एग्ज़ाम के लिए 15 दिन बचे हुए हैं। सब जगह कोचिंग क्लासेस चालू है। दूसरे स्टेट्स के अंदर ऊना में कल शाम को शुरू हो चुके हैं, केवल बाकी जगह पर शुरू नहीं हुए हैं। हमारी ऐसी मांग है कि कोचिंग क्लासेस को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि हम बच्चों से वन टू वन इंटरेक्ट कर सकें और नेशनल लेवल के टफ एग्जाम्स के लिए उनको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। कितना नुकसान आपको सहन करना पड़ रहा है? जो आपके फाइनेंशियल पूछ रहे हैं आप, भी एकेडमिक पूछ रहे हैं, बच्चों का भी। तो सबसे पहली बात तो मैं बच्चों के नुकसान के बारे में बात करूँगा कि एकेडमिक्स में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन कोचिंग से सिंपली पासिंग द नॉलेज ये पार्ट हुआ है, यानी ज्ञान उनको देना जो किताबों में है, लेकिन उसके परे उसकी इंट्रिकसी जो है, उसका जो माइक्रो प्लानिंग है, बच्चों का मेंटरिंग जो है, वो करने के लिए ऑनलाइन पर कोई ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता है और उसमें बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ है ऐसा मुझे लगता है। ऑनलाइन से ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मतलब रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है? हाँ हाँ, बच्चों के साथ तो काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को ऑल इंडिया के सभी बच्चों के साथ कॉम्पीट करने का है और बाकी स्टेट्स में शुरू हो गया, हमारे बच्चों का शुरू नहीं हुआ है, तो नेचुरली हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और फाइनेंशियली भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को करीब करीब 40% तक का लॉस हुआ है। कब तक का ये शुरू होना चाहिए आपको ऐसे लगता? ये तो इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हो जाना चाहिए। पुणे में अगर कल शुरू हो सकता है तो नागपुर में कल से शुरू हो जाना चाहिए। नागपुर में अनुमति नहीं मिलने से यहाँ के विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में पीछे रह जाएंगे। जनवरी में JEE के फर्स्ट राउंड की परीक्षा है, उसके लिए भी बहुत कम समय बचा है। ऑनलाइन मोड में विद्यार्थियों को कई परेशानियां आती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कोचिंग क्लासेस शुरू करने के विषय में जल्द निर्णय लेने की मांग की गई है। पत्र परिषद में पेट्रन नरेंद्र वानखेड़े, उपाध्यक्ष सूरज अय्यर, सचिव जयवंत गणवीर और सह सचिव विराग मितकरी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।